अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रॉपिकल फ्रूट को सेलेक्ट किया है और दोस्तों एक एक्जॉटिक फ्रूट के अंदर आता है। तो दोस्तों आज मैं हम लोग को एग फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एग फ्रूट को इसके अलावा कपकेक फ्रूट भी बोला जाता है और दोस्तों कैनिस्टल फ्रूट भी बोला जाता है और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे पोटेरिया कैंपिकियाना बोला जाता है। और दोस्तों एक सदाबहार दरख्त के ऊपर ये फल लगता है और दोस्तों नेटिव तौर पर सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, बरसाती जंगलात होते हैं, वहाँ पर इस फ्रूट की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों देखने के अंदर डार्क येलो ऑरेंज शक्ल का होता है और दोस्तों इसके अंदर एडिबल पल्प होती है जिसका जायका उबले हुए आलू, हलवा कद्दू और आम से मिलता जुलता होता है। और दोस्तों ये काटने से अंदर इसका बीज होता है और दोस्तों इसका जो पल्प होता है बिल्कुल उबले हुए अंडे की जर्दी की तरह मालूम होता है, इस वजह से इसे एग फ्रूट बोला जाता है। और दोस्तों इसे बहुत सारे तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसे रॉ फॉर्म के अंदर भी काट के खाया जाता है। इसके अलावा इसके जैम, जेली, मार्मलेट वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा डेजर्ट्स के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। इसे आइसक्रीम बनाई जाती है, पैनकेक्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे किस्म के जो है मीठी डिशेज बनाई जाती है, इससे मिल्क शेक बना के भी पिया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे एग फ्रूट के बारे में थोड़ी सी यूजेस बेनिफिट्स, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों एग फ्रूट के अंदर कार्ब्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे एग फ्रूट के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, अब बात कर लेते हैं इसके मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से भी। दोस्तों मुनासिब मिदा में एग फ्रूट खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, आंखों के अंदर चमक आ जाती है, आंखों की बसारत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों जिल के हवाले से भी देखा जाए तो ये जिल के लिए बेहतरीन है। दोस्तों जिल को खूबसूरत कर देता है, जिल को चमकदार बनाता है और दोस्तों कोते मुदाफे में इजाफा करके खतरनाक बैक्टीरियाज और वायरसेस से बचाता है। और दोस्तों बालों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है और दोस्तों इसके अलावा नखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों ये फ्रूट जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला है और दोस्तों वो एग फ्रूट खाएं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है सतह पर आ जाता है। दोस्तों एग फ्रूट जो है क्विक एनर्जी ताकत देता है और दोस्तों कुल मिला के एक बेहतरीन फ्रूट है। जब भी आप जो है सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ अमेरिकन कंट्रीज का विजिट करें तो वहाँ पे आपने ये एग फ्रूट लाजमी खाना है। और दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको बड़ी फ्रूट मंडियों से आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो पल्प है टेंट पैक के अंदर भी आता है तो आप किसी भी बड़े सुपरमार्केट के ग्रोसरी सेक्शन के अंदर आसानी के साथ इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों आपके जैम, मार्मलेट, जेली फॉर्म में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो थे एग फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों हर चीज़ को अगर मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो सेहत के लिए बेहतरीन होती है, अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज़ जो है सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो इसी तरह एग फ्रूट भी ज़्यादा मकदार में खाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेहत के हवाले से, इसे बहुत ज़्यादा खाने से, क्योंकि इसका तो फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, तो इसे बहुत ज़्यादा खाने से पेट ख़राब होता है, पेट के अंदर गैस हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं। चलिए दोस्तों मम्मी का तो आपको ये एग फ्रूट के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, किसी केमिकल कंपाउंड के वाले से पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस एग फ्रूट के बारे में मैंने जो आपको वीडियो बना के दी है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मिक्स मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नया फ्रूट और सब्जियों वगैरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।